जी रिलेटिवली अब आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है या सेम है? जी वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में बात की कि पेंक्रियास से रिलीज होती है, अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं और गैमा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन रिलीज होती है, बीटा सेल से आपकी इंसुलिन रिलीज होती है, गैमा से सोमेटोस्टैटिन रिलीज होती है। अब आपको पता है कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन इनमें से जो मोस्ट जो 80% जो हमारे पैंक्रियाज में आइलेट्स ऑफ सेल आइलेट सेल्स होते हैं उनके अंदर बीटा आपकी जो है ये बीटा सेल्स होते हैं जिसमें इंसुलिन होती है। इंसुलिन करती क्या है और कैसे रिलीज होती है उसका इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मेनली पढ़ने जा रहे हैं डायबिटीज को। जो इंसुलिन के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। ये क्या करती है कि ग्लूकोज की शिफ्ट करवाती है इनटू द सेल्स, आइदर इट इज इनटू द लिपिड्स, आइदर इनटू द एडिपोज टिश्यूज, आइदर इनटू द लिवर। ठीक है, अगर लिवर में स्टोरेज होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होती है, एडिपोज टिश्यूज में होती है, उसके अलावा फैट सेल्स में होती है। अब जो इंसुलिन के साथ साथ ग्लूकागॉन क्या करती है, ये इंक्रीज करवाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। अब होता क्या है कि ये दोनों जो है वो इंटरचेंजेबली एक दूसरे के साथ फीडबैक मैकेनिज्म में चल रहे होते हैं। इंसुलिन का लेवल यानी जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है जैसे ही, तो साथ ही क्या होता है कि इंसुलिन रिलीज होती है। इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देती है। लेकिन अगर ग्लूकागॉन क्या करता है कि अगर पेशेंट की ग्लूकोज कम हो यानी ग्लूकोज अगर का लेवल अगर कम हो तो क्या करती है, ग्लाइकोजन रिलीज या ग्लूकागॉन रिलीज होता है और ये क्या करता है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो बीटा सेल्स हैं उनमें ग्लूकोज कैसे रिलीज होती है, सबसे पहले एक ये बीटा सेल है, आइलेट्स के बीटा सेल्स की बात कर रहे हैं कि आइलेट्स के बीटा सेल्स हैं इनके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT1 या 2E दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, GLUT1 या GLUT2। यहां से क्या होता है कि जैसे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल एक लिमिट से क्रॉस करता है, जैसे ही ग्लूकोज का लेवल एक लिमिट से क्रॉस करेगा तो ग्लूकोज यानी ग्लूट के थ्रू डिफ्यूजन इनटू द सेल एंटर हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है कि आपका ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है उसने क्या करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करवानी है। अब इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की वजह से क्या होता है कि एटीपी जनरेट होती है। अब ये एटीपी क्या करती है कि हमारे यहाँ पे समझने पोटेशियम गेटेड चैनल्स पड़े हुए हैं यानी एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम गेटेड चैनल्स, इसने इसको बंद कर देना है। जैसे ही पोटेशियम गेटेड चैनल्स बंद होंगे यहां से क्या होता है कि इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हो जाता है, सेल्स के अंदर क्या होता है कि आपकी पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, इसकी वजह से यहाँ पे कैल्शियम चैनल है वो एक्टिवेट होते हैं, कैल्शियम सेल के अंदर एंटर होगा और दूसरी तरफ से क्या होगा कि इंसुलिन जो है वो आपकी रिलीज हो जाएगी। तो इसके अंदर तीन चार चीजों का रोल बताने का मकसद है कि कुछ ड्रग्स किस किस जगह पे काम करती है वो आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। एक तो ग्लूकोकाइनेज ने एटीपी जनरेट की, एटीपी ने आगे पोटेशियम गेटेड चैनल्स को क्लोज किया, कैल्शियम इनफ्लक्स हुआ और कैल्शियम के इनफ्लक्स से इंसुलिन रिलीज हुई। उसके अलावा यहाँ पर आपके रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं GLP-1 रिसेप्टर्स, ठीक है, GLP-1 या GIP-1 इनको हम इनक्रेटिन रिसेप्टर्स भी कहते हैं। मेनली इनका काम क्या है कि जैसे ही हम कोई ऑरली कोई चीज इनटेक करते हैं, ग्लूकोज हम अंदर लेके जाते हैं GIT में, तो GIT के इंटरस्टाइनल सेल्स में के सेल्स होते हैं और एल सेल्स, ये क्या करते हैं कि वहां से ये GLP-1 एनालॉग जो है वो रिलीज करवाते हैं। ये क्या करता है कि इन आइलेट्स के ऊपर जो GLP-1 रिसेप्टर्स है इनके ऊपर एक्ट करता है जिससे इंसुलिन का जो रिलीज है वो डबल हो जाती है यानी उसके एक्शन को एनहांस कर देता है। यानी नॉर्मली अगर ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल 3 मॉलिक्यूल रिलीज होने थे, GLP-1 की वजह से इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगी, 10 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इनक्रेटिन इफेक्ट। इनक्रेटिन इफेक्ट, इनक्रेटिन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा कि व्हेन अगर एक फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर मैंने दो चीजें बता दी, एक तो ये है कि अगर पेशेंट ने यानी फॉर एग्जांपल ओरल ग्लूकोज लिया, अगर पेशेंट ओरली ग्लूकोज लेगा तो उसके अंदर इंसुलिन कहां
रिलीज होगी, ऐसे रिलीज होगी। लेकिन अगर एक पेशेंट को, सेम पेशेंट को अगर हमने आईवी ग्लूकोज दी, ठीक है ना, उसमें इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगी। यानी ये इस इफेक्ट को कि अगर पेशेंट आईवी इंसुलिन लेगा तो उसके अंदर जीएलपी1 रिलीज नहीं हो रहा। ये बात रिपीट सुन ले, मैंने अभी आपको बताया इन क्रेटिन इफेक्ट का। इन क्रेटिन इफेक्ट ये होता है कि व्हेन पेशेंट टेक ग्लूकोज ऑरली, देन दिस ऑरल इनटेक कॉज रिलीज ऑफ जीएलपी1 एनालॉग्स या जीआईपी एनालॉग्स दैट कॉजेस डबल इनहांस द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रियाटिक सेल्स। यानी अगर एक पेशेंट ऑरल ग्लूकोज ले रहा है तो उसके अंदर इंसुलिन की सिक्रीशन ज्यादा है एज कंपेयर टू आईवी इंसुलिन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनक्रेटिन इफेक्ट। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द डायबिटीज? व्हाट इज डायबिटीज? हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटीज में मेनली दो टाइप्स होती हैं, टाइप वन होती है, टाइप टू सर होती प्लीज है। कंसेप्ट रिवाइज कर दें सर, एक क्वेश्चन है। जी, पूछें। इन हाइपोग्लाइसीमिया अक्सर आता है कि हमें आईवी देना चाहिए डेक्सट्रोज 25% या ओरली देना चाहिए, कैसे इसमें हमें? डिपेंड करता है, इसमें दो चीजें होती हैं। अगर आपने ऑरल देना है या आईवी देना है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियस लेवल ऑफ द पेशेंट। इफ पेशेंट इज कॉन्शियस, यू प्रेफरेबली गिव ऑरल। यानी हम पेशेंट को ऑरली जो है वो इसमें ग्लूकोज देंगे। लेकिन अगर एक पेशेंट है वो ऑल्टर्ड सेंसोरियम में कैन नॉट टेक ऑरली, तो आप उसमें फिर आप बोलस डोज देते हैं 25% एक्सपोज के एम्प्यूल, जैसे हम पेशेंट्स में लगाते हैं उनमें लगाते हैं जो ऑल्टर्ड सेंसोरियम में होते हैं। अदरवाइज ऑरली ग्लूकोज इज प्रेफरेबल। थैंक यू सर। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज डायबिटीज मेलिटस। अब डायबिटीज की जब बात की जाती है तो इसके अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज प्री डायबिटीज, व्हाट इज डायबिटीज मेलिटस, व्हाट इज इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, व्हाट इज इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस। ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये आप लोगों को कंफ्यूज करती हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं। अब एक बात की जाती है, एक आप लोगों से मेरा सवाल है, वो ये सवाल है कि अगर एक पेशेंट हमारे पास, या जितनी भी ये रिसर्चेज हुई है डायबिटीज का, ये जो लेवल्स चूज किए गए हैं ये किस बेस पे किए गए हैं? यानी एक पेशेंट के हम लेवल्स डिसाइड करते हैं ना कि इससे ज्यादा शुगर नहीं होनी चाहिए या इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो ये लेवल्स क्यों डिफाइन किए गए? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस?